देखिए सिग्नेचर को जो है फोटो के ऊपर हमको एडजस्ट करना है, मतलब सेल्फ अटेस्टेड फोटो हमको तैयार करना है। सबसे पहले आप जो भी हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर है इसमें से किसी एक सिग्नेचर को आप चूज कर लेंगे, चूज करके इसको क्रॉप कर लेंगे। हाँ क्रॉप टूल से जो यहाँ क्रॉप पर टूल है। से, ये देखिए ये आपका क्रॉप टूल है, ये वाला क्रॉप टूल से ये क्रॉप कर लिया। इसके बाद इसको आप लाइट एडजस्टमेंट सबसे पहले बैकग्राउंड को प्योर वाइट आपको बनाना है सबसे पहले, तो कंट्रोल एल दबाएंगे, लेवल पे जाएंगे। लेवल पे जाने के बाद लेवल को एडजस्टमेंट करेंगे, इतना एडजस्टमेंट करेंगे कि बैकग्राउंड जो है पूरी की पूरी वाइट हो जाए। ये देख बैकग्राउंड आपका पूरा वाइट हो चुका है। अब इसको हम ओके करेंगे और सिग्नेचर जो है वो ब्लैक या ब्लू कलर से यूज होते हैं, तो हमको इस सिग्नेचर को ब्लैक एंड व्हाइट करना होगा। इमेज में जाएंगे, मोड पे जाएंगे और ग्रे स्केल पे चले जाएंगे, डिस्कार्ड पे क्लिक करेंगे, ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। अब इसको मैजिक टूल्स के हेल्प से व्हाइट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, तो ये व्हाइट बैकग्राउंड आपका सिलेक्ट हो गया है। इसमें सिग्नेचर आपका अनसिलेक्ट अभी है, कंट्रोल शिफ्ट और आई बटन को प्रेस करेंगे तो इन्वर्स सिलेक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब कि व्हाइट बैकग्राउंड को डी सिलेक्ट करके वो सिग्नेचर सिलेक्शन हो गया है। क्या था कमांड? कंट्रोल शिफ्ट और आई मूव टूल पे क्लिक करेंगे और सिग्नेचर को कहीं से भी पकड़ के आप इस पे फोटो पे आप एडजस्ट कर लेंगे। फोटो पे आप एडजस्टमेंट कर लिए, उसके बाद आपको फिर से मैजिक टूल में जाना है और जहाँ जहाँ आपको वाइट दिख रहा है वहाँ क्लिक करके डिलीट बटन को प्रेस करते हुए चले जाना है। एक मिनट इसको हल्का बड़ा कर लेंगे, दिक्कत हो रहा था जैसे कि सिम्मा के अंदर जो वाइट बचा हुआ उसको डिलीट करना है, यहाँ वाइट बचा हुआ इसको डिलीट करना है, बाकी सब ठीक है बिल्कुल। अब स्मॉल करके देख लेंगे, ये आपके फोटो पे साइन लग चुका है। तो इस प्रकार के शानदार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी फोटोज़ से रिलेटेड कोई फॉल्ट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो बिल्कुल विजिट कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पासपोर्ट साइज की कैसे फोटो बनाएंगे इजी प्रूवक शॉर्ट मेथड से, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये एक पीडीएफ है, पीडीएफ में डॉक्यूमेंट है यहाँ पर। इस पीडीएफ को मैं ओपन कर लेता हूँ और इसमें से हमको फर्स्ट पेज ये प्रिंट करना है, ठीक है। यहाँ से प्रिंटिंग ऑप्शन में हम लोग गए, यहाँ से जो भी हम प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं वो प्रिंटर को सिलेक्ट कर लिए और इसमें से सिर्फ हमको फर्स्ट पेज ही प्रिंट करना है। तो इसमें कस्टम में गए और यहाँ पे फर्स्ट पेज हमने सिलेक्ट कर लिया और जो भी सेटिंग वगैरह यहाँ सब कुछ कर लिया। और मैं इसको मैं अभी प्रिंट दे रहा हूँ, प्रिंट दिया प्रिंटर पे। देखिए ये अभी मेरा प्रिंटर से निकला है। इस पेज में देखिए यहाँ पे लिखावट में लिखे जाने के बाद ये एक बॉक्स बना हुआ है जो इस प्रिंट में नहीं आ पाया है, ये प्रिंट में बॉक्स नहीं आया है। इसका मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको फोटोशॉप ओपन कर लेना है। फोटोशॉप आप ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद आपके पास जो पीडीएफ था, ये पीडीएफ फाइल, इस पीडीएफ फाइल को आपको फोटोशॉप में ओपन कर लेना है। ओपन कर लिया, ये हम ओके कर लिए। सिर्फ फोटोशॉप में ओपन कर लेना है और कंट्रोल पी से प्रिंट ऑप्शन में चल जाना है। देखिए यहाँ पर भी आपका ये जो ये स्क्वायर ये क्या उसको बोलते हैं सर, मैं सिर्फ ओपन करने के बाद डायरेक्टली प्रिंट ऑप्शन में जाना है और जो भी आपका यहाँ से पेज सिलेक्शन पेज का सेटअप है जो भी आप कर लेंगे, एफोटो पेज है या जो भी है, करने के बाद सीधे आपको यहाँ से प्रिंट दे देना है।
आया सारा। हाँ, दोनों पेज में डिफरेंसेस आपको दिख रहे होंगे कि जो मैंने फोटोशॉप से प्रिंट किया है उस पेज में आपका ये बॉक्सेज आ रहे हैं, और जो विदाउट फोटोशॉप से डायरेक्ट पीडीएफ से मैंने प्रिंट किया है उसमें बॉक्सेज नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार के स्टैंडर्ड वीडियोज के लिए और भी आप तक कोई प्रिंट से रिलेटेड फॉल्ट है या कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या बात है,